नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जानते हैं क्या कुछ खास है आज के वायरल इंडिया में। रूस में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे रात भर आसमान में आतिशबाजी होती रही। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। ये घटना 6 दिसंबर के दक्षिण रूस के बंदरगाह शहर रेस्तो ऑन डॉन की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी हुई तो फायर फाइटर्स भी दूर भागने लगे, क्योंकि पटाखे जल कर इधर उधर भाग रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। काफी समय बाद वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को दुबई बुलाया। उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने वहीं अपना जन्मदिन भी मनाया। फिर वो बेटी जीवा के साथ फेम पार्क पहुंची। दरअसल फेम पार्क सबसे पॉपुलर एनिमल फार्म है, जहां पर हर प्रकार के जानवर है। साक्षी धोनी ने बाघ के बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिलाया और मगरमच्छ को भी शानदार अंदाज में खाना खिलाया। इंस्टा पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाया। टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना होने के बाद भी उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना करीब आए दुल्हन दूल्हे ने शादी कैसे की होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। दूल्हे दुल्हन ने अजीबोगरीब तरह से शादी की। कैलिफोर्निया के रहने वाले युगल पैट्रिक और लॉरेन ने अपने बड़े दिन के लिए बहुत कुछ निर्धारित किया था, लेकिन इससे पहले दोनों को ये झटका लग गया। कोरोना वायरस ने जहां लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं इस महामारी के समय शादी समारोह आयोजित करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। संक्रमण फैलने के डर से रिश्तेदार भी शादियों में जाने से बच रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के बारा के केलावाड़ा कोविड केंद्र में ही एक जोड़े ने PPI किट पहनकर शादी कर ली, क्योंकि दुल्हन शादी के दिन ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस शादी समारोह को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुई एक सेक्स पार्टी के बाद 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवंबर महीने में नॉटी एंड नॉलेंस नाम के इस इवेंट में लगभग 300 लोग इकट्ठा हुए थे। इस इवेंट के CEO और फाउंडर बॉबी हैंडफोर्ड ने अपने ब्लॉग में कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकाफ़ी साबित हुआ, क्योंकि इवेंट ख़त्म होने के बाद उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं कि लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार कर रहे हैं। तमाम पंजाबी सिंगरों ने किसानों के सपोर्ट में गाने भी गाए और अब सोशल मीडिया पर सामने आई नई तस्वीरों में सिंगर रुपिंदर हांडा किसानों के लिए रोटियां व ब्रेड पकौड़े बनाते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोज को खुद रुपिंदर ने अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है। मालूम हो कि किसान कृषि कानून में संशोधन किए जाने की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं और इसी में उनका साथ निभाते हुए रुपिंदर हांडा की ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से सामने आई है। पोस्ट के कैप्शन में रुपिंदर ने लिखा, आज भी लंगर सेवा दे रही हैं, वाहे गुरु भला करे। बस करो, बस करने वो कर दूँ। नहीं ब्रे, एक तरह को हो सारा देखिए भाई, हो सारे कोई नहीं, ये का बहुत तेज़ है। जैसे कि ना पुलिस लाओगे, नहीं चलाना भी, बड़ी गाल है, वायरल इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।